केंद्र सरकार के कोविड के चलते देश में ऑनलाइन स्कूल की संकल्पना लाई है, मगर इस संकल्पना से छात्रों के परिजन निजी स्कूलों के मनमानी रवैये से परेशान हैं। ऐसे ही एक मामला सोमवार को शहर के सेंट जेवियर स्कूल में सामने आया। कोरोना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, सभी ओर कोरोना के चलते संक्रमण ना बढ़े इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से कुछ निर्णय लिए गए। इनमें से एक ऑनलाइन एजुकेशन, इसके द्वारा बच्चे घर बैठे शिक्षा ले रहे हैं, मगर अब ये छात्रों के परिजनों का गले का फंदा बनते जा रहा है। शहर के निजी स्कूल जबरन फी वसूली कर रहे हैं। शहर के ह्यूरी नगर स्थित सेंट जेवियर स्कूल प्रशासन की ओर से भी यही किया गया। प्रशासन की ओर फी न भरने पर छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई से वंचित रखा गया। प्रशासन के इस कदम से छात्रों के सभी परिजन सोमवार को स्कूल पहुंचे और जवाब मांगने लगे। स्कूल में कोई भी प्रशासकीय अधिकारी नहीं था, मगर प्रशासन की ओर से पुलिस बुलाई गई थी। हमारी टीम ने परिजनों से बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल की ओर से स्कूल की फी के लिए फोन कर मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। फोन पर अपमानजनक बात भी की जा रही है। आम्ही सगळे सेंट जेवियर से पेरेंट्स इथे आलेलो, आमचे पोर या शाळेत शिकतात, पण काल अचानक यांनी आतापर्यंत यांनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट केल्या होत्या, तर त्यामध्ये बरेचसे प्रॉब्लेम्स होते ऑनलाइन क्लासेस। कधी नेट बरोबर चालायचा नाही, कधी ते टीचर क्लास सोडून चालली जायची, मग ते पोरं आपले बसले राहायचे घरी। आता यानंतर यांनी काल काय केलं, यांनी काल पोरांना काही न सांगता फीस भरली नाही म्हणून यांना रिमूव्ह करून टाकलं त्याच्यातनं। अजून एका पॅरेंटला यांनी असं म्हटलं की बा आप फीस नाही भर रे, इसलिए आपके बच्चे को रिमूव किया है, और आप त्यांनी सांगितलं बा मला असा प्रॉब्लेम आहे। हां, अजून म्हणे अगर आप घर में खाना नहीं खा रहे क्या, बोले या शब्दात हे लोक बोलून राहिले। या नंतर आम्हाला हे म्हणायचं आहे की शाळेत यांनी कंप्यूटर लॅब फीस, त्याच्यानंतर टर्म फीस, ट्यूशन फीस, असं म्हणजे 13,000 काहीतरी यांची फीस आहे। तर आमचं हे म्हणणं आहे की जेव्हा पॅरेंट्स पोरं तुमच्या शाळेचा इन्फ्रास्ट्रक्चर यूज करत नाही आहे, कम्प्युटर लॅब यूज करत नाही आहे, काही लायब्ररी यूज करत नाही, ती फीस तुम्ही कशाला घेऊन राहिले। अजून या COVID-19 पॅन्डेमिकमध्ये सगळ्यांचे धंदे बसलेले आहेत, इवन नोकरीवाले प्रायव्हेट लोकांना त्यांनाही काढण्यात आलेला आहे। नंतर मग गव्हर्नमेंटवाल्यांचा आपल्या सॅलरीमध्ये डिडक्शन्स आहेत, बिझनेसवाल्यांचा एक दिन इवन ऑडमध्ये त्यांचे बिझनेस बंद आहेत, तर कोणाचंच बिझनेस बरोबर चालू नाही आहे। तर यांनी या लोकांनी फीसही कमी करायला पाहिजे। अजून या लोकांनी न सांगता पोरांना कसं काय तुम्ही काढलं याचं उत्तर दिलं पाहिजे। अजून पोरांना यांनी ताबडतोब याच्यामध्ये ॲड करावं। अजून त्यानंतर आमच्याकडनं फीस जी घ्यायची आहे आम्ही फीस भरायला तयार आहेत, पण फक्त ट्यूशन फीस भरू। अजून तेवढी ट्यूशन फीस घेऊन यांनी हे प्रकरण पूर्ण संपवायला पाहिजे, नाही तर हे प्रकरण असंच चालूच राहील। आम्ही अजून वरतीपर्यंत जाऊ, कलेक्टरपर्यंत जाऊ, एज्युकेशन ऑफिसरपर्यंत जाऊ, अजून नाही जर हे करतील तर आम्ही इथेच दूर धरण्यावर। सर, हमारा ऐसा बोलना है कि हम यहाँ पर एक घंटे से डेढ़ घंटे से खड़े हैं, प्रोटेस्ट भी नहीं कर रहे हैं। हम लोगों को अगर ऐसे पेरेंट कुछ शिकायत है तो हम किससे बात करेंगे? हम बात करेंगे प्रिंसिपल से, जो मैनेजमेंट है उन लोगों से। हम मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फीस लेते हैं वो क्लर्क वो हमसे बात करने के लिए रिफ्यूज़ कर देते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड। हम उनसे कहते हैं कि ठीक है, यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल पर्सन, जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उनका हमें नंबर दीजिए। हमें उनका नंबर कोई नहीं दे रहा है, उल्टे हमें बोला जा रहा है कि आप वेबसाइट पर जाइए। सर, हम पेरेंट्स से महंगे महंगे फीस देकर हम अपने बच्चों को यहाँ पर पढ़ाते हैं। आप भी अगर हमको मैनेजमेंट से मिलने के लिए रोकेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा ये हक है कि हम अगर आपको पैसा देते हैं तो अगर हमारे पास में कुछ सवाल है तो वो आप ही से पूछेंगे। आप अगर हमारे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो हम किससे पूछने जाएंगे? इनका कहना है कि आप एजुकेशन से मिनिस्टर के पास में जाइए, इसके पास में जाइए, उसके पास में जाइए। मैं सवाल पूछता हूँ कि आज एक आम आदमी का इतना पहुंच होता है कि आखिर वो एजुकेशन मिनिस्टर के दरवाजे के पे जाके अगर चिल्ला के कहता है कि सर मुझे आपसे मिलना है, तो एजुकेशन मिनिस्टर गेट के ऊपर आकर कहेगा कि हाँ सर बोलिए आपको क्या शिकायत है। एक आम आदमी के एजुकेशन मिनिस्टर या भारत अथॉरिटी तक पहुंच नहीं होती है। हमारा केवल इतना कहना है कि प्रिंसिपल ने सही कोई रिस्पॉन्सिबल आदमी को आप अपॉइंट कीजिए, बाहर बुलाइए या हमें अंदर बुलाइए, 4 लोगों को 8 लोगों को, उनसे बातचीत कीजिए, हमारी समस्या सुनिए, उसके बाद में ये जवाब दीजिए कि हम करेंगे नहीं करेंगे सोचेंगे। हमें यहाँ पे बेवकूफ़ों जैसा केवल खड़ा कर दिया गया है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। सोशल डिस्टेंस हम कैसे मेंटेन करेंगे? इन्होंने खुद हमें बुलाया है ना, यहाँ पे ऐसी जगह है कि 1-1 मीटर के डिस्टेंस पे खड़ा रहे सड़क तक आदमी पहुँच जाएगा। अगर यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का वायोलेशन हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार पेरेंट्स नहीं है, स्कूल मैनेजमेंट है। बस। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ अभिषेक पांसे की रिपोर्ट, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।